वेलकम वंस अगेन इन योर वेरी ओन चैनल CreAvengers. गाइस सबसे पहले आई एम रियली रियली सॉरी, मेरे वीडियोस इतने लेट आ रहे हैं, कुछ कॉपीराइट का इशू आ गया था, पर वीडियो के एंड में एक गुड न्यूज़ है. हाँ ऑब्वियसली वीडियो से ही रिलेटेड न्यूज़ है, वरना आपको क्या लगा शादी से पहले ही गुड न्यूज़. तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा. ये हमारे एंड गेम मैराथन सीरीज का थर्ड एपिसोड है, जो कि बेस्ड है 2010 में आई मूवी आयरन मैन 2 पे, जिसके इवेंट्स MCU में साल 2011 के दौरान हुए थे. इस मूवी में शील्ड एजेंट नताशा रोमानोव AKA ब्लैक विडो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई, जो कि बाद में जाके एक एवेंजर बनती है. रोडी का रोल प्ले किया है डॉन चिडल ने, और मूवी का मेन विलन है आइवन वैंको AKA विप्लैश. दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में हमें पता चला 2014 में आई मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में, पर इन्फिनिटी वॉर तो लगभग सभी ने देखी है और इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में भी थोड़ा बहुत सबको पता है. तो मैं इन स्टोन्स के बारे में आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ताकि आपको मेरी फ्यूचर वीडियोस अच्छे से समझे. इस यूनिवर्स की शुरुआत में कुछ नहीं था, फिर बिग बैंग हुआ और 6 एलिमेंटल क्रिस्टल्स का निर्माण हुआ, जो कि है स्पेस स्टोन, माइंड स्टोन, रियलिटी स्टोन, पावर स्टोन, टाइम स्टोन और सोल स्टोन. इन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स कहा जाता है. सबकी अपनी अपनी खासियत है, इनके बारे में हम डिटेल्स में आगे की वीडियोज में बात करेंगे. तो बिना किसी देरी के लेट्स डू दिस. इसीलिए इससे अनलिमिटेड एनर्जी हासिल की जा सकती थी, और फिर हावर्ड स्टार्क ने टेसरैक्ट पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी, जिसमें उनकी हेल्प की सोवियत के एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एंटोन वैंको. और साल 1963 तक उन दोनों ने मिलकर आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, पर एंटोन वैंको ने आर्क रिएक्टर के डिजाइंस ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, जिसके वजह से स्टार्क ने उसे निकाल दिया और वैंको ने अपने अगले 20 साल डिप्रेशन और शराब के नशे में रशिया में काटे. साल 2011 टोनी ने अपने आप को आयरन मैन डिक्लेयर कर दिया है और उसके सामने अब काफी सारे थ्रेट्स हैं. गवर्नमेंट टोनी से उसका सूट चाहती है, एंटोन का बेटा आइवन वैंको टोनी को मारना चाहता है, स्टार्क इंडस्ट्रीज की राइवल कंपनी हैमर इंडस्ट्रीज का CEO जस्टिन हैमर टोनी की कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और टोनी का आर्क रिएक्टर जो उसे जिंदा रखे हुए है वही उसकी जान ले रहा है. टोनी स्टार्क जब खुद को आयरन मैन डिक्लेयर कर रहा होता है, वो सीन देखकर एंटोन वैंको अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और अपने बेटे आइवन को समझाता है कि स्टार्क फैमिली आज जिस भी मुकाम पर है वहां पर उन्हें होना चाहिए था. टोनी स्टार्क एक्सपो को 1974 के बाद 2011 में रीओपन करता है, जो कि पूरा एक साल चलने वाला होता है, जहां यंग इन्वेंटर्स अपना टैलेंट दिखाते हैं. और ये स्टार्क एक्सपो हावर्ड स्टार्क का सपना होता है. एक्सपो में टोनी मार्क 4 के साथ एंट्री करता है, जिसका डिजाइन मार्क 3 से सिमिलर होता है, जो हमें आयरन मैन 1 के एंडिंग में दिखा था. टोनी स्टेज से उतरते ही सबसे पहले अपने ब्लड की टॉक्सिसिटी लेवल चेक करता है, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ रही होती है. इसकी वजह होती है पलेडियम का हाई डोज. उसे पलेडियम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा होता है और वो मौत की ओर बढ़ रहा होता है. ये बात वो सबसे राज रखता है. टोनी को आर्म सर्विसेज के कमेटी में बुलाया जाता है, जहां पर सेनेटर उसे उसका सूट US मिलिट्री को सौंपने को कहते हैं. टोनी के राइवल जस्टिन हैमर को कुछ वीडियोस प्ले करने को कहा जाता है, जिसमें आयरन मैन आर्मर की कुछ कॉपीज की टेस्टिंग की जा रही होती है, जो कि वर्ल्ड के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं. टोनी उनके सिस्टम्स को हैक करता है और हमें पता चलता है कि उन सूट्स की टेस्टिंग एक्चुअली हैमर इंडस्ट्रीज ही कर रही है. टोनी कमिटी से कहता है कि उसको कॉपी करने वाला कोई माइकल अभी पैदा नहीं हुआ है, और हैमर इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी तो उससे 20 साल पीछे है. टोनी भरी सभा में सूट देने से इनकार कर देता है और कहता है कि टोनी स्टार्क और आयरन मैन एक है. हमारा आयरन मैन मरने वाला होता है, इसीलिए वो पेपर को स्टार्क इंडस्ट्रीज का CEO बना देता है. लाइफ के आखिरी मजे लेने के लिए वो खुद ही की स्पॉन्सर्ड F1 कार से मोनाको में ऑर्गेनाइज्ड ग्रैंड प्रिक्स में हिस्सा लेता है. आइवन वैंको जो रशिया में होता है, वो स्टार्क से अपने बाप का बदला लेने के लिए मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में पहुंचता है और उसे वहां जाने के लिए पास देता है 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन का एक आदमी. वो रेस ट्रैक पर उतर जाता है
और अपने विप्लैश मार्क वन सूट के साथ टोनी पर अटैक करता है। और ये आया सूटकेस में मार्क 5। विप्लैश हार तो जाता है पर उसके पास सेम आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी होती है जो उसके सूट को पावर दे रही होती है, जिसे देखकर गवर्नमेंट का टोनी पर सूट उन्हें सौंपने का दबाव और बढ़ जाता है। टोनी विप्लैश से जेल में मिलता है और उसे सजेस्ट करता है कि वो अपने आर्क रिएक्टर के साइकिल्स पर सेकेंड को डबल कर दे, क्योंकि उसको पता होता है कि वो ऐसे भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हैमर वैंको को जेल से छुड़ाकर हैमर इंडस्ट्रीज लेके आता है, जहां पर वो उसे कई सारे इनकम्प्लीट आर्मर्स दिखाता है और उन्हें कम्प्लीट करने को कहता है ताकि US मिलिट्री उसे अगले 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे। वही टोनी अपना लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसका बेस्टी रोडी वहां पहुंचता है और मार्क 2 उठाकर टोनी को सबक सिखाता है। पेपर को CEO बनाते ही वो नैटली रशमैन को अपनी सेक्रेटरी रख लेता है। भाई मैं तो पिघल गया। उसे यहाँ ये पता चलता है कि नैटली एक्चुअल में शील्ड एजेंट नताशा रोमानोफ है, जिसे डायरेक्टर फ्यूरी ने भेजा था टोनी की हालत का अंदाजा लेने। इतनी बड़ी कंपनी किसी के भी नाम पे करोगे तो लोगों को तो डाउट होगा ही ना। नताशा उसे लिथियम डाइऑक्साइड का एक डोज देती है जो कुछ टाइम तक के लिए टोनी को रिलीफ देता है, पर ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये बिल्कुल पबजी में ब्लू जोन के बाहर बैंडेजेस लगाने की तरह है, जितने भी लगा लो मरना तो पक्का है। फ्यूरी उसे पूछता है कि क्या कोई भी उसका सूट बिना परमिशन के ले जा सकता है, पर अगर इस सीन को ध्यान से देखें तो टोनी रोडी को वॉर मशीन कहता है, मतलब रोडी और टोनी की सूट को लेके पहले ही बात हुई होगी। '70s के दौरान हावर्ड स्टार्क टेसराक्ट पर स्टडी करते करते नया एलिमेंट तैयार करते हैं, जिसे उस समय में सिंथेसाइज करना पॉसिबल नहीं होता, बिल्कुल आर्क रिएक्टर की तरह। निक फ्यूरी के दिए हावर्ड स्टार्क वाले बॉक्स में टोनी को एक टेसराक्ट से रिलेटेड रिसर्च दिखाई देती है और उसे एक फिल्म भी मिलती है जिसमें हावर्ड टोनी को बताते हैं कि जो स्टार्क एक्सपो का मॉडल उन्होंने तैयार किया वो वक्त से बहुत आगे की सोच है और वो बस टोनी के लिए बनाई गई है। बस एक बात को हमेशा याद रखना, मेरी सबसे बड़ी रचना तुम हो टोनी। एक्सपो को देखकर वो समझ जाता है कि ये किसी एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो कि किसी पेरियोडिक टेबल में भी नहीं मिलेगा। जार्विस टोनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेंट है जो कि टोनी के सारे काम करता है, इंक्लूडिंग उसके सूट्स को सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल करना। जार्विस की मदद से टोनी स्टार्क एक्सपो का 3D वायरफ्रेम होलोग्राफ तैयार करता है। अगर बीच के यूनिस्फीयर को न्यूक्लियस पकड़े और आजू बाजू के बिल्डिंग्स को न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है किसी नए एलिमेंट के, और यही एलिमेंट आर्क रिएक्टर में लगेगा और टोनी के बॉडी में पॉइजन को जाने से रोकेगा। आज बाप ने बेटी की जान बचा ली। अब सबसे डिफिकल्ट काम होता है इस एलिमेंट को फिजिकली सिंथेसाइज करना, जिसके लिए टोनी एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाता है जिसमें लार्ज साइज के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से बिलियंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड से उनके एंटी पार्टिकल्स पे हिट किया जाता है। इन दो बीम्स के टकराव से मिनिएचर बिग बैंग होता है, जिससे फाइनल एक बीम मिलती है जिसे एक प्रिज्म की मदद से रिफ्लेक्ट करके टारगेट यानी बेस एलिमेंट पे स्ट्राइक किया जाता है और नया एलिमेंट तैयार हो जाता है। इसीलिए इस पार्टिकल एक्सेलरेटर को प्रिज्मेटिक एक्सेलरेटर भी कहा जाता है। कमाल की बात तो ये है कि ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है और कुछ टीनेजर्स ने तो इसे घर में बनाने की भी कोशिश की है। हद तो तब हो गई जब मैं इस पे अपनी रिसर्च कर रहा था और मैंने देखा कि 11 साल का लड़का अमेरिका की फर्मी लैब को मेल करता है और कहता है कि उसे ये पार्टिकल एक्सेलरेटर उधार चाहिए ताकि वो एक नया एलिमेंट क्रिएट कर सके। सीरियसली, अभी तू जाके डोरेमोन देखना। वैंको भी हैमर इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर में बैठकर विप्लैश मार्क 2 बनाता है और हैमर को उसके आर्मर्स ड्रोन्स में कन्वर्ट करके देता है। हैमर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर रोडी टोनी से जो आर्मर लेकर आया होता है उसको वेपनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है जस्टिन हैमर को, और आयरन मैन के मार्क 2 को फुल्ली वेपनाइज करके वो उसे वॉर मशीन मार्क 1 में कन्वर्ट कर देता है, जिसे वो अपने बाकी ड्रोन्स के साथ स्टार्क एक्सपो में शोकेस करता है। वैंको सारे ड्रोन्स और वॉर मशीन पे कंट्रोल पा लेता है और टोनी स्टार्क पे अटैक करता है। हैमर को NYPD अरेस्ट कर लेती है और ब्लैक विडो हैमर इंडस्ट्रीज पहुंचती है। वैंको तो नहीं मिलता, पर रोमानोफ रोडी को उसके सूट के कंट्रोल्स वापस दे देती है। रोडी और टोनी मिलकर उन ड्रोन्स को खत्म कर देते हैं और वैंको तो उनके बाएं हाथ का खेल होता है। आखिर में अवेंजर्स इनिशिएटिव को लेकर डायरेक्टर फ्यूरी
टोनी के ऊपर बनाई नताशा रोमानोव की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसके हिसाब से आयरन मैन इस प्रोग्राम के लिए फिट है पर टोनी स्टार्क नहीं। जॉन फेवरू ने आयरन मैन 3 बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि स्टूडियो स्क्रिप्ट को लेकर इंटरफेयर करने लगा था। स्टूडियो चाहता था कि शील्ड को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले फ्यूचर मूवी कनेक्शंस के लिए। मूवी में दिखाई हैमर इंडस्ट्रीज एक्चुअल में एलॉन मस्क की स्पेसएक्स फैसिलिटी है और बैकग्राउंड वाले एम्प्लॉयज भी स्पेसएक्स के हैं। और तो और एलॉन मस्क का केमियो भी है इस मूवी में। यहाँ हमें दिखता है कैप्टन अमेरिका के शील्ड का प्रोटोटाइप, जो रेफरेंस था आगे आने वाली मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का। स्टार्क एक्सपो न्यूयॉर्क में होता है और पीटर पार्कर भी न्यूयॉर्क से होता है, तो स्पाइडी का टोनी से मिलना तो बनता ही है। ये बच्चा एक्चुअल में पीटर पार्कर है, जो बचपन से ही टोनी स्टार्क का फैन होता है।